एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डिंकू सिंह अपनी पत्नी नागंगोम बाबी देवी के साथ नई दिल्ली में अपने लीवर कैंसर के इलाज के लिए स्पाइस जेट की एयर एम्बुलेंस सेवा से इम्फाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इम्फाल के बाहरी इलाके में अपने घर में बैठी नागंगोम बाबी देवी अपने पति के बारे में निराश थी। जोशीले मुक्केबाज से कोच डिंकू सिंह बने। डिंकू को 2 मार्च को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज से लीवर के कैंसर के एक संदिग्ध पुनरुत्थान के लिए 5 सप्ताह के उपचार के बाद रिहा कर दिया गया। इस समय के साथ कि वह अनुवर्ती उपचार के लिए 2 बार लौटेंगे। 25 मार्च को कोविड-19 महामारी ने देशव्यापी तालाबंदी और 3 सप्ताह के लिए हवाई यात्रा को बंद कर दिया। 14 अप्रैल को लॉकडाउन को और 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। डिंकू घर में फंसे थे, इलाज के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन्हें तेज बुखार चल रहा था और वह कमजोर होते जा रहे थे। न केवल उनकी बिगड़ती शारीरिक स्थिति बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उनकी पत्नी चिंतित थी। पूर्व विश्व चैंपियन एल सरिता देवी जो इम्फाल में है, डिंकू के परिवार और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के साथ समन्वय कर रही थी। डिंकू और उनकी पत्नी 23 मई को इम्फाल पहुंचे थे और तब से उन्हें इम्फाल में एक संगरोध केंद्र में रखा गया था। 2 दिन पहले उन्होंने तेज बुखार की शिकायत की और शनिवार को उनका कोविड-19 परीक्षण किया गया। उनका परीक्षण सकारात्मक आया और हमने उनकी पत्नी नागंगोम बाबी देवी से बात की। मणिपुर में सभी बॉक्सिंग बिरादरी किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार थे और हम उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।